सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं इलेक्ट्रिक फ्यूज़। तो यहाँ पर हमारे पास है चार माचिस, मैंने चारों की तीलियाँ निकाल लूँगा और उससे बनाऊँगा इलेक्ट्रिक फ्यूज़। और फिर हम बैटरी से इसको जलाएंगे और फिर देखते हैं कितना मज़ा आता है दोस्तों, क्योंकि मैंने आज से काफ़ी दिन पहले इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाया था बैटरी से चलने वाला, लेकिन एक तील से बनाया था या फिर दो तील से, तो उससे मज़ा नहीं आया था दोस्तों। तो हमने सोचा क्यों ना पूरे 100 माचिस की तीलियों को बनाया जाए इलेक्ट्रिक फ्यूज़ और फिर एक साथ जला दिया जाए, तो फिर देखते हैं कितना मज़ा आता है दोस्तों। इस वीडियो को पूरा अंत जरूर देखना। उसके लिए हमें कुछ यहाँ पर चार माचिस की तीलियाँ ले लिया माचिस, उसके बाद यहाँ पर एक बाइक का ब्रेक जो कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर ये स्विच है, जब हम दबाते हैं तो हमारा ब्रेक लाइट जलने लगता है। और यहाँ पर मैं लूँगा एक एल्युमिनियम वायर, कुछ इस प्रकार से इसमें लगा देंगे ताकि हम जैसे ही इस वाले वायर को खींचे ये इलेक्ट्रिक फ्यूज एक साथ जल जाए। और यहाँ पर है एल्युमिनियम वायर, आप देख सकते हैं यहाँ पर जो हमारा पुराना डाटा केबल होता है मोबाइल फ़ोन का, उससे मैंने निकाल लिया है यहाँ पर। तो गाइज, आइडिया काफ़ी सिंपल सा है, हम इलेक्ट्रिक फ्यूज़ बनाकर टेस्ट करने वाले हैं, इसलिए वीडियो को पूरा अंत जरूर देखना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको ज़्यादा बात ना करते हैं। सो गाइज, आइडिया काफ़ी सिंपल सा है, हम ले लेंगे यहाँ पर माचिस की तीली, आप देख सकते हैं यहाँ पर, तो मैं इसको निकाल लेता हूँ एक एक करके सभी को, और यहाँ पर मैं सभी को साइड रखूँगा। तो गाइस, मैंने इतने तीलियों को, तीन माचिस के तीलियों को निकाल लिया है, अब ये चौथा और लास्ट है, तो इसको भी हम निकाल लेंगे। यहाँ पर निकाल लिया है और मैं इसको कुछ इस प्रकार से एक हिसाब में लगा दूंगा लाइन से, ताकि ऐसा करते दोस्तों मुझे काफ़ी ज़्यादा समय लग जाएगा, तो इसलिए वीडियो को थोड़ा फास्ट कर देते हैं ताकि आपका समय बच जाए और मेरा भी समय बच जाए। मैं वीडियो लंबा नहीं करना चाहता। मैंने इतने तीलियों को इकट्ठा कर लिया है, अब हम इसको एक रबड़ की सहायता से जोड़ देंगे, तभी हमारा काम ज़्यादा पूरा तील लपेट में आएगी, वरना नहीं लपेट पाएंगे हमें, जिससे हमारा ये रबड़ आउट टाइट रहेगा और अच्छे से फिट होने लगेगा। इसमें हम तीलियों को लगाते जाएंगे। तो गाइस, मैंने जो है इसमें पूरे 95 तीलियाँ लगा दी है और 5 तीलियाँ भी बची हुई हैं, इसको भी लगा लेते हैं हम। तो ये रुक ही नहीं रहा है, नहीं पकड़ रहा दोस्तों, ये टेप इस पर नहीं पकड़ रहा है, तो इस पर हम लगाने वाले हैं स्टेट ग्लूगन की सहायता से चिपकाने वाले हैं। तो चलिए हम इसको भी लगा लेते हैं। तो भाई, इस पर हम लगा लेते हैं अपना स्टेट ग्लूगन, तो चलिए हम इस पर लगा देते हैं इस प्रकार से यहाँ पर, ताकि ये रुका। तो गाइस, मैंने इस पर लगा दिया है अपना ग्लूगन। तो गाइस, अब जो है हम इस पर लगा दिया है स्टेट ग्लूगन, ये सूख भी चुका है, अब हम इस पर थोड़ा वायर लगा देंगे, कॉपर वायर कुछ इस प्रकार से, आप देख सकते हैं यहाँ पर ये कॉपर वायर है, तो इसको हम यहाँ पर इस पर कुछ इस प्रकार से लगा देंगे। तो गाइस, मैंने इसमें भी चिपका दिया है और अब जो है इसका फ्यूज़ बना लेते हैं। तो इसमें से हम निकाल लेंगे थोड़ा सा एक बारीक सा वायर, इसमें से मैंने तोड़ लिया है बहुत छोटा सा तार, और इसको हमें कुछ इस प्रकार से यहाँ पर, और हो चुका है, और अब हम इसका यहाँ पर कुछ इस प्रकार से लेंगे एक प्लाई बोर्ड, यहाँ पर इस पर हम चिपका देंगे स्टेट ग्लूगन की मदद से।
करके कुछ इस प्रकार से इसको हम चिपका देंगे। तो गाइस मैंने इस पर चिपका भी दिया है, आप देख सकते हैं यहाँ पर इस पर चिपका है। अब इसका टेस्टिंग की बारी है, तो इस पर ये वायर थोड़ा बड़ा है इसलिए हम थोड़ा इसको कट देंगे। ये भी चिपक चुका है अच्छे से, आप देख सकते हैं यहाँ पर। और अब जो है इस पर दो वायर मैंने निकाल दिया है इसका, और फिर यहाँ पर अच्छे से आपको दिख रहा है बारीक सा वायर अच्छे से, तो आपको यहाँ पर शायद दिख रहा होगा। और अब हम जो है इस पर इस वाले स्विच को जोड़ लेते हैं कुछ इस प्रकार से। तो आप देख सकते हैं इसका आइडिया काफ़ी सिंपल सा, इसका कनेक्शन भी बहुत आसान है। तो इसको भी हम लगा लेते हैं, कोई भी वायर किसी में भी अटैच कर दो। एक वायर अच्छे से इसमें लगा दिया मैंने यहाँ पर, और हम इस पर मैंने इस पर टेपिंग कर दिया हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पर अब दो वायर बचा है, इसमें हम दो पावर देने के लिए बैटरी में अटैच कर देते हैं। अब हम इस पर इस वाले वायर को इसमें लगा देंगे कुछ इस प्रकार से। अब ये जुड़ चुका है, और हम इसको जैसे ही चलेंगे ये जल्दी चलेगा कुछ इस प्रकार से। तो गाइस बन के हमारा रेडी हो चुका है, बस इसमें हमें सिर्फ बैटरी जोड़ना होगा और फिर इसको हम टेस्टिंग करेंगे। बैटरी भी मैं इसमें जोड़ देता हूँ यहाँ पर, बस गाइस और कुछ भी नहीं करना है, सारा काम क्लियर हो चुका है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कनेक्शन भी हो चुका है, यहाँ पर रॉड भी रेडी है। बस जैसे ही हम इस वाले वायर को खींचेंगे कुछ इस प्रकार से वो जलने लगेगा। तो चलिए अब टेस्टिंग करते हैं। तो गाइस फाइनली बनके हमारा इलेक्ट्रिक फ्यूज़ तैयार हो चुका है 100 मैचेस के तीलियों का। तो चलिए इसका टेस्टिंग करते हैं। उससे पहले आप लोग यार वीडियो को लाइक कर दो, और आप लोग वीडियो देख लेते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते चैनल तो सब्सक्राइब कर लो यार, क्योंकि हम इसी तरह के नए नए धमाकेदार एक्सपेरिमेंट लाते रहते हैं। तो चलिए अब हम इसका टेस्टिंग कर लेते हैं और फिर देखते हैं कितना मज़ा आता है। सो गाइस अब इसकी टेस्टिंग की बारी है। तो मैंने इसमें सारा कनेक्शन इसमें यहाँ पर आप देख सकते हैं बैटरी मैंने जोड़ दिया है, यहाँ पर भी, यहाँ पर, और यहाँ पर मेरा फ्यूज़ है। तो इसको मैं यहाँ पर थोड़ा साइड रख देता हूँ, और अब हम इसको जैसे ही खींचेंगे तैसे ही जलने लगेगा। तो चलिए हम इसका ज़्यादा देर ना करते हैं दोस्तों, इसको स्टार्ट करते हैं। यार वीडियो को लाइक कर दीजिए, मज़ा नहीं आ रहा है इसीलिए। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। अब जैसे हम इसको खींचेंगे तो 3 2 1